कि आपने संविधान का नाम देकर शपथ लिया है तो तीन आर्टिकल जो मुख्य हैं मानिटी के लिए 25, 29 और 30 इसको पूरा कीजिए। ये आपका हक बनता है किसी भी सरकार को कहने के लिए, वर्तमान सरकार को भी कहने के लिए ये हक है आपका। दूसरा हक है आपका, बंधु तिर्की जी ने सच्चर कमेटी का उल्लेख किया, सच्चर कमेटी का निचोड़ क्या है उसको हमको जानना है, आपको भी जानना है। बहुत बड़ा लंबा चौड़ा भाषण देने की जरूरत नहीं, बोलने की जरूरत नहीं, तीन शब्द हैं उसमें सच्चर कमेटी में। इत्तेफाक से जब सच्चर समिति का गठन हुआ था और जब रिपोर्ट आई थी उस समय मैं पार्लियामेंट का मेंबर था, आप लोगों की दुआ से, आप लोगों की इच्छा से, तो उस पर बहस जो हुआ सच्चर समिति के रिपोर्ट पर सुनने का और भाग लेने का भी मौका मिला, मैं भी उसमें भाग लिया था। तीन चीजें हैं माइनॉरिटी के लिए, माइनॉरिटी के तीन चीजें वो हैं, तीन समस्याएं कहूंगा मैं, आइडेंटिटी की समस्या, पहचान की समस्या, दूसरी है सिक्योरिटी की समस्या। वेजिटेरियन प्रदेश देश में जो माइनॉरिटी के लोग होते हैं उनको सिक्योरिटी की चिंता सताती है और वाजिब भी है। तो सिक्योरिटी का मतलब हुआ आर्थिक भी, सामाजिक भी, सांस्कृतिक भी, ये तीनों तरह का। सबसे ज्यादा गरीबी उस समय असच्चर समिति का रिपोर्ट पढ़ने का मौका मुझे मिला था, उसने बताया था कि इनकी हालत, मुसलमानों की हालत आदिवासियों और दलितों से भी बदतर हो गई है शिक्षा के क्षेत्र में और गरीबी के क्षेत्र में। ये हमको जानना है, सरकार को जानना है। रिपोर्ट को फिर अगर नहीं पढ़े हैं सरकार के लोग, जो मंत्री लोग हैं, जो एमएलए हैं वर्तमान विधानसभा में, अगर नहीं पढ़े हैं तो पढ़ना चाहिए उसको, सच्चर समिति को। आंख खोलता है सच्चर समिति, क्या स्थिति है आज माइनॉरिटी की इस देश में, इस राज्य में। तीसरी चीज जो कही गई है सच्चर समिति है वो इक्विटी की। तो पहला तो आइडेंटिटी, दूसरा सिक्योरिटी, तीसरा इक्विटी, बराबर का हक। माइनॉरिटी क्या है, संख्या कम है, इसका मतलब ये नहीं कि मेजोरिटी के लोग हमको दबा के रखें और हमको अलग करें, ये नहीं। हम इक्विटी, इक्वल है, सबके बराबर है। इक्वल इसलिए हम ये नहीं हो पाते आर्थिक रूप से क्योंकि समिति के रिपोर्ट के अनुसार 94% से भी अधिक, लगभग 95% लोग मुस्लिम लोग गरीबी रेखा से नीचे थे और उनको राशन कार्ड नहीं था। सबसे ज्यादा राशन कार्ड की कमी अगर किसी कम्युनिटी में थी तो वो माइनॉरिटी के लोगों के बीच में थी। इसलिए इस सरकार ने फैसला लिया कि हम सबको कार्ड देते हैं। भारत सरकार जो दे रही है लाल पीला कार्ड वो अपनी जगह पर है। जितने गरीब हैं, कल ही मैं अपने क्षेत्र लोहरदगा में घूम रहा था, सबसे मिल रहा था, अब ये तहकियात कर रहा था, ये देख रहा था कि राज्य सरकार ने जो हरा कार्ड निकाला है गरीबी मिटाने के लिए सभी को, गुजरात के सभी लोगों को, जिसमें माइनॉरिटी के लोग भी हैं, हमारे क्षेत्र में माइनॉरिटी के लोगों की संख्या थोड़ा ज्यादा है लोहरदगा क्षेत्र में, इसलिए हमारा ज्यादा ख्याल रखना पड़ता है। वो भी ज्यादा हम पर ख्याल रखते हैं, हम भी उन पर ज्यादा ख्याल रखते हैं, कांग्रेस का वहाँ जमा हुआ है। इसने वहां देखा कि हरा कार्ड सबको दिला रहे हैं, सबको हरा कार्ड दिला रहे हैं जितने गरीब हैं। मैंने कहा कि 94.99% लोग गरीब हैं, माइनॉरिटी के लोग, तो उनकी गरीबी दूर करने के लिए राज्य सरकार ने उनका पेट भरने के लिए, अन्न और तन ढकने के लिए कपड़े का व्यवस्था किया है। हम सबको धोती, लुंगी और साड़ी 10 रुपये में दे रहे हैं, जिसका दाम बाजार में 300 है, 350 है। लुंगी का दाम हम पूछे, कल ही पूछे कि लुंगी भैया मिला आपको, तो हाँ मिल गया। कितना दाम होगा उसका, तो बाजार में उसका तो 250 से कम नहीं होगा। कितना में मिला, तो 10 रुपये में। तो हमारी सरकार अच्छा कर रही है आपके लिए कि बुरा कर रही है, तो बोले कि जनाब ऐसा क्यों बोलते हैं, अच्छा बराबर अच्छा होता है,
चाहे कितना भी कोई झुटलाने की कोशिश करे। तो ये सरकार का है, सरकार कर रही है। और ये सच्चाई है कि कोरोना में हम थोड़ा दब गए थे, ऑफिसर्स बंद थे, हमारे जो रिसोर्सेज भी थे, रेवेन्यू कलेक्शन वो भी कम हो गया था, इसलिए हम थोड़ा काम कम गए। लेकिन हमारी गति बढ़ा रहे हैं। जो भाई कह रहे थे, जो इशारा कर रहे थे, हम अपनी सरकार में एकदम सजग हैं। हेमंत सोरेन जी सजग हैं, मैं तारीफ करूंगा, संजीदगी के साथ, संवेदनशीलता के साथ वो सजग हैं, हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी। और मैं यकीन दिलाना चाहूंगा कि बचे 3 साल में अगर कोरोना नहीं आया तो बहुआ फिर दोबारा, जो लोग डराते रहते हैं कि फिर कोरोना आएगा, तीसरी लहर आएगी, अगर ऐसा नहीं हुआ तो यकीन दिलाना चाहूंगा सरकार की ओर से कि हम आपके लिए करेंगे घोषणा पत्र। आपने पढ़ा होगा कांग्रेस का, हमने सब आपकी समस्याओं को लिया है घोषणा पत्र में। मैं उस समय अध्यक्ष हुआ करता था इलेक्शन के समय में, तो आपसे पूछ करके घोषणा पत्र में लिखा है, घोषणा पत्र में आपकी समस्याओं के बारे में और उसके निदान के बारे में। इसके बाद हम उसको जरूर पूरा करेंगे। तो ज्यादा नहीं बोलते हुए फिर हम कहेंगे इमरान साहब से कि हम उनको सुनने आए हैं, उनको देखने आए हैं। हैंडसम चेहरा देखते थे फोटो में, हम ये कि भाई असली में कैसे दिखते हैं, फोटो में जैसा दिखते हैं कि थोड़ा अलग है, फोटो धोखा भी देता है कभी कभी। ये मीडिया के बीच में जाइए नहीं सर, इतना चमका देता है कि काला आदमी गोरा दिखने लगता है। तो हमने कहा कि भाई देख, आज दूसरे जगह कुछ प्रोग्राम रखना चाह रहे थे, लेकिन शकील साहब बोले कि नहीं, हमारे अध्यक्ष आ रहे हैं, तो हमारे कि मैं जरूर रहूंगा, देखूंगा, चेहरा भी देखूंगा, फोटो से मिलता जुलता है कि नहीं। और इमरान साहब, आपकी तारीफ इसलिए करूंगा मैं कि आज की राजनीति घूमने से होगी, दिल्ली में बैठने से नहीं। मैं उदाहरण देना चाहता हूं महात्मा गांधी जी का। महात्मा गांधी जी को देश जाना क्योंकि पूरे देश में घूमते रहे, आप भी घूमते, मेरी सलाह है, नेक सलाह है, आप घूमते रहिए, आपकी पहचान बनेगी, कांग्रेस मजबूत होगी। इतने ही कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं। बहुत 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 धन्यवाद। विवेकानंद विद्या मंदिर स्कूल एक CBSE एफिलिएटेड इंग्लिश मीडियम कोएड स्कूल है। हम शिक्षा के साथ संस्कार देते हैं। The followup.in, like, share, and